नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अंतर्राज्यीय लुटेरा गिरोह के दो सदस्य चढ़े पुलिस के हत्थे, दो वाहन भी हुआ बरामद। एसपी ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। अवैध शराब कारोबारियों की आई शामत, आबकारी टीम ने अलग अलग स्थानों से चार को किया गिरफ्तार। अवैध देशी शराब भी हुई बरामद। किसान आंदोलन के समर्थन में अखिल भारतीय किसान महासभा ने किया प्रतिवाद मार्च। समाहरण नाले पहुंचकर की संक्षिप्त सभा, बाद में राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। और भाजपा जिला अध्यक्ष के खिलाफ अब महिला मोर्चा ने भी फूका विद्रोह का बिगुल। परिसदन भवन में बैठक कर कमेटी गठन को लेकर जताया रोष, आंदोलन की दी चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। पुराना पुलिस लाइन में एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर अंतर्राज्यीय लुटेरा गिरोह का उद्भेदन करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की सूचना दी। बताया गया कि दोनों अपराधियों ने स्कॉर्पियो लूटने की मंशा से बिहार के जमुई जिले के ड्राइवर अजय राम की हत्या कर दी थी। अंतर्राज्यीय लुटेरा गिरोह का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने दो आरोपियों को दबोच लिया है। एसपी अमित रेणु ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी। असल में बिहार के जमुई जिले के ड्राइवर अजय राम की हत्या अंतर्राज्यीय वाहन लुटेरों ने की थी। अजय की हत्या के पीछे स्कॉर्पियो की लूट ही कारण था। इस मामले में गिरिडीह पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में जमुई जिले के सिकंदरा थाना इलाके के नवाडीह निवासी मोहम्मद खुर्शीद अंसारी व गिरिडीह मुफस्सिल थाना इलाके के झरियागादी निवासी मोहम्मद सुल्तान अंसारी शामिल हैं। इनके पास से ड्राइवर अजय की हत्या के बाद लूटी गई स्कॉर्पियो व अन्य स्थान से लूटी गई टोयोटा क्वालिस बरामद की गई है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी अमित रेणु ने बताया कि जिन अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनका मुख्य पेशा वाहन को किराए पर लेना व रास्ते में ड्राइवर की हत्या या जख्मी कर वाहन को लूट लेना रहा है। बीते 8 दिसंबर को बेंगाबाद थाना इलाके के पत्रोढ़ी पुल के पास अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने व बाद में मृतक की पहचान करने के बाद हुई छानबीन में यही बात सामने आई। एसपी ने बताया कि शव मिलने के बाद एसडीपीओ अनिल सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने छानबीन शुरू की तो यह पता चला कि मृतक अपने गांव के ही नीरज कुमार सिंह का स्कॉर्पियो चलाता था। 7 दिसंबर को सवारी लेकर वह बेंगाबाद थाना इलाके के छोटकी खरगडीहा के लिए चला था और रास्ते में ही उसकी हत्या कर दी गई। दिनांक 8/12/2020 को बेंगाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत एक घटना रिपोर्ट की गई थी जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति के शव को बरामद किया गया था। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी के द्वारा इनको इनकी मृत्यु कारित कर इनको वहाँ पे डंप किया गया है बॉडी को। अनुसंधान के क्रम में पता चला कि इसमें एक गिरोह का हाथ है जिनका मुख्यतः काम रहता है कि किसी के द्वारा गाड़ी की बुकिंग करा के और फिर उसको रास्ते में लूटने के क्रम में जख्मी कर या फिर हत्या कर गाड़ी को लूट लिया जाता है। तो इस क्रम में बेंगाबाद थाना कांड संख्या 236/2020 दर्ज किया गया था। कांड की गंभीरता को देखते हुए इसमें तत्पर होकर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया था। अनुसंधान के क्रम में दो व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है और इस क्रम में जो गाड़ी स्कॉर्पियो जो इनके द्वारा चलाया जा रहा था अजय राम के द्वारा उसको बरामद किया गया है इनके बयान की निशानदेही के ऊपर। और इसके अलावा इनके द्वारा जो पूर्व में जो घटनाएं की गई थी उस संदर्भ में भी अभी छानबीन जारी है। एक और अन्य गाड़ी की भी बरामदगी इस संदर्भ में हुई है। गुप्त सूचना के आधार पर आबकारी विभाग ने जिले के चार अलग अलग स्थानों पर छापा मारकर अवैध महुआ शराब के साथ चार लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही बताया गया कि उत्पाद अधिनियम की धारा 47A के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अवैध शराब कारोबार को लेकर आबकारी विभाग ने चार लोगों को गिरफ्तार किया। चारों को बरमसिया उत्पाद कारा में लाया गया। असल में उत्पाद विभाग ने जिले के चार अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर अवैध महुआ शराब के साथ चार लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बाबत बरमसिया डिपो में SI मोहम्मद गुफरान ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद अधीक्षक सुधीर कुमार के निर्देश पर कार्रवाई की गई। इस दौरान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कुबाड़ मोड़ स्थित होटल में छापा मार कर
15 लीटर अवैध चुलाई महुआ शराब बरामद किया गया और संचालक श्यामदेव राम को गिरफ्तार किया गया। वहीं मोड़ स्थित ही एक और होटल से 17 लीटर महुआ शराब बरामद कर राजेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद टीम ने बारागढ़ा खुर्द में छापामारी कर 30 लीटर महुआ शराब बरामद कर मुकेश टुड्डू को गिरफ्तार किया। वहीं लेदा में 15 लीटर शराब बरामद कर सनोज साव को गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि उत्पाद अधिनियम की धारा 47A के तहत मामला दर्ज किया गया है। छापेमारी दल में SI मोहम्मद गुफरान, ASI निजाम खान, होमगार्ड जवान अजय सिंह समेत अन्य लोग उपस्थित थे। गुप्त सूचना के आधार पर अधिकारी उत्पाद गिरिडीह के आदेशानुसार कतिपय स्थानों पर छापामारी की गई, जिसमें डुमरी रोड, मुफसिल थाना अंतर्गत डुमरी रोड पे और लेदा में कोवाड़ मोड़ में इन जगहों पे जो है और अन्य जगहों पे गश्ती की गई। छापेमारी के क्रम में चार लोगों को, कुल चार अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है उत्पाद अधिनियम की धारा 47A के अंतर्गत, जिसमें श्यामदेव राम कोवाड़ मोड़ से होटल संचालक, राजेंद्र यादव कोवाड़ मोड़ से होटल संचालक, मुकेश टुडू बारागढ़ा खुर्द एवं सनोज साव लेदा से गिरफ्तारी की गई है। इन सभी के पास कुल मिला के 77 लीटर अवैध चुलाई महुआ शराब की बरामदगी हुई। ईट राइट मूवमेंट के तहत सोमवार को शहर के विभिन्न मिठाई दुकानों का फूड सेफ्टी ऑफिसर डॉक्टर पवन कुमार ने निरीक्षण किया। बताया गया कि अभियान के तहत मिठाई दुकानों से फूड सैंपल लेकर खाद्य सामग्रियों को चेक किया जा रहा है। वहीं दुकान में गड़बड़ी पाए जाने पर संचालकों को नोटिस देकर सुधार के लिए चेतावनी दी जा रही है। स्टेशन रोड के KC निमानी मिष्ठान भंडार समेत शहर के विभिन्न मिठाई दुकानों का सोमवार को फूड सेफ्टी ऑफिसर डॉक्टर पवन कुमार ने निरीक्षण किया। इनके साथ सहयोगी के रूप में LB सिंह और प्रिंस कुमार भी मौजूद रहे। इस बाबत डॉक्टर पवन ने बताया कि गिरिडीह में इन दिनों ईट राइट मूवमेंट चल रहा है। अनुमंडल पदाधिकारी प्रेरणा दीक्षित इस मूवमेंट की नोडल पदाधिकारी हैं। उनके आदेश से 7 दिवसीय मोबाइल फूड सेफ्टी लैब का संचालन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है जागरूकता। उन्होंने बताया कि आम लोग भी खाद्य सामग्रियों की जांच करवा सकते हैं। अभियान के तहत मार्केट, चौक चौराहे पर ग्रामीण इलाकों में खाद्य सामग्रियों को चेक कर रहे हैं, इसको लेकर ऑन स्पॉट सैंपल ले रहे हैं, गड़बड़ी पाए जाने पर सुधार के लिए नोटिस दे रहे हैं। इसके बाद भी सुधार नहीं होती है तो अगली बार सैंपल लेकर भेजा जाएगा और कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण से मिठाई दुकान संचालकों में हड़कंप मचा है। इसमें शिकायत नहीं है। देखिए ये हम लोग लड्डू का किए ना, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आया, लेकिन हमारे पास लड्डू कुछ होगा हम आपको रेमू के लिए कॉल दे देते हैं। हालांकि देहात वहात का लिया हुआ है, उनको थ्रेटनिंग दिया गया है कि ऐसा नहीं करें। देहाती इलाके में हम लोग गए हैं बेंगे कल, इधर उधर देखे से आपका जल्दी का ही ये सब चल रहा है, हम लोग कहीं रोक नहीं पा रहे। पानी दूध कैसे पता चलता है? अभी आम जमकर उसमें जो केमिकल डालने के बाद फिर हल्दी के रूप में आ गया, तो कोई चेंजिंग नहीं। ठीक है, ठीक है, दूसरा खराब हल्दी दिखाते हैं। बेंगाबान बोलता है कि गिरिडीह से लाया, बताता हूँ खराब। देखिए वही एक दूसरा हल्दी है जो इसका किया है कि रंग डाल करके ये कैंसरस रंग है और हार्ट हार्ट को भी करेगा, कैंसर करेगा, वैसा मिला करके चावल या स्टार्च में मिला करके ये बना दिया और हल्दी के नाम पर बेच रहा है, लोगों को पूछता गुमराह कर रहा है। इंडिया मूवमेंट चल रहा है, उसी के अंतर्गत हमारे जिला में ईट राइट ग्रीडी मूवमेंट चल रहा है। तो जो अनुमंडल पदाधिकारी प्रेरणा दीक्षित मैडम है, वही नोडल पदाधिकारी है ईट राइट ग्रीडी से, तो उनके ही आदेश से 7 डेज के लिए जो हमारा मोबाइल फूड सेफ्टी लैब है
ग्रीडी में इसको हम लोग संचालन कर रहे हैं। और जनरली इसका मुख्य उद्देश्य है जागरूकता, प्रचार प्रसार, कंज्यूमर की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और आम जनता भी अपने घर के सामानों की खाद्य सामग्री की जांच 20 रुपए में पे करके इसका जांच करा सकती है और जानकारी प्राप्त कर सकती है। इसके अतिरिक्त हम लोग जगह जगह मार्केट चौक चौराहे हाट बाज़ार में भी जो पब्लिक है, क्योंकि देखा जाता है ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा हम लोग घूम रहे हैं तो हमें मिलावट की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो उसको भी हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। और शहरी इलाका में जिन हम लोग दुकान में भी आम पब्लिक भी अपना सामान, जैसे दूध हो गया, जनरली हल्दी हो गया, दूध की बनी मिठाइयाँ हो गई, होटल रेस्टोरेंट में यूज होने वाले सामान, पनीर, खोआ या हल्दी या, उसको भी हम लोग चेक कर रहे हैं। तो इसका मेन है खाद्य सुरक्षा को हम बेहतर रूप से जिला में लागू करना, और हम लोग इसमें सफल होंगे ऐसा लगता है। कुछ मिठाई दुकानों में सर जो सैंपल लिया जा रहा है उसके बाद आगे की क्या कार्रवाई की जाएगी जिसमें मिलावट पाया जाए? अभी हम लोग सैंपल सर्विलेंस सैंपल मतलब ऑन स्पॉट ही कर रहे हैं, इसके लिए अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उन लोग को हम लोग नोटिस दे रहे हैं सुधार के लिए। और अगर अनसेफ कोई ऐसा मटेरियल मिलता है तो उसको हम वहीं पर नष्ट करवाते हैं, जैसे कहीं लड्डू में अगर गलत रंग मिलता है तो उसको हम नष्ट करवाते हैं और उसको हम नोटिस देते हैं कि आप सुधार कर लीजिए। नेक्स्ट बार फिर हम लोग जाते हैं और वहाँ से लीगल सैंपल लेकर, सुधार नहीं करता है तो लीगल सैंपल लेकर भेजते हैं और उसको कानूनी कार्रवाई की जाती है। लेकिन अभी का जो अभियान चल रहा है जागरूकता अभियान, कितने दिनों तक चलेगा? 17 दिसंबर तक, 11 से 17 दिसंबर तक चलाने का। पूरे जिले में चलेगी? हाँ, पूरे जिले में, मेनली शहरी इलाका में हम लोग अभी कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर पवन कुमार, फूड सेफ्टी ऑफिसर। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बारासोली मोड़ के पास एक इंडिका कार ने एक स्कूटी को ठोकर मार दी, जिससे स्कूटी सवार 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। इधर इंडिका कार चालक ठोकर मारने के बाद कार लेकर मौके से फरार हो गया। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बारासोली के पास सड़क हादसे में 3 लोग घायल हो गए। तीनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि गिरिडीह से बेंगाबाद की ओर जा रही इंडिका कार ने बारासोली मोड़ के पास स्कूटी को ठोकर मार दी। स्कूटी में 3 लोग सवार थे। घटना में 3 घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि सेंट्रल पीठ निवासी बद्री राय अपनी बेटी कंचन कुमारी और पोता रोहित कुमार राय को लेकर बेंगाबाद गए थे। लौटने के क्रम में यह हादसा हुआ। बताया गया कि इंडिका कार ठोकर मारने के बाद मौके से फरार हो गई। कहाँ घर है? सेंट्रल पीठ। सेंट्रल पीठ, सेंट्रल पीठ। हाँ, ग्रेडी। क्या हुआ था? आ रहे थे हम लोग, इतवार था ना, सूर्याही पूजा था, ये आ रहे थे हम लोग, अच्छा करवा मार लिया। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ? बारासोली के पास में। आप लोग क्या चीज से थे? अच्छा पर से स्कूटिया पर से। स्कूटी में? और कौन गाड़ी वाला मारा? कार था वो। आप लोग मतलब बेंगाबाद से आ रहे थे? हाँ। और ये गाड़ी वाला जा रहा था? हाँ। गिरिडीह गांडे रोड के बेरगी में 2 बाइक के बीच हुई भीषण टक्कर में 4 लोग घायल हो गए। घटना के बाद सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिनमें से एक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे प्राथमिक उपचार के बाद धनबाद रेफर किया गया। गिरिडीह गांडे रोड के बेरगी में हुए सड़क हादसे में 4 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से एक को धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि गांडे थाना क्षेत्र के पांडेडीह के रहने वाले 18 वर्षीय सोनू अंसारी, 40 वर्षीय कोरीना बीवी, 14 वर्षीय शहनाज खातून और अनिल हेम्ब्रम का एक्सीडेंट बेरगी के पास हो गया। घटना में 4 जख्मी हो गए। बताया गया कि सोनू अंसारी अपनी मां कोरीना बीवी, बहन शहनाज खातून को बाइक पर बिठाकर गिरिडीह के बिशनपुर आ रहा था। इसी क्रम में गिरिडीह की ओर से अनिल हेम्ब्रम मोटरसाइकिल से गांडे जा रहे थे। बेरगी के पास दोनों मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। 4 का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं शहनाज खातून का पैर टूट जाने के कारण उसे धनबाद रेफर कर दिया गया है। कौन सा गाड़ी में था वो? कलेम्बर था ना भाई। आप लोग कहाँ से कहाँ आ रहे थे? मैं सुंदर से गिरिडीह आ रहे थे, बिशनपुर जा रहे थे। नाम तो लिखिए। क्या नाम है? अनिल। अनिल हेम्ब्रम। कहाँ घर है? घर उदयपुर। कहाँ एक्सीडेंट हुआ?
एक्सीडेंट कहाँ हुआ? उतना तो पता नहीं है हमको, इधर का नाम जाता हूँ। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? कहाँ से कहाँ जा रहे थे? गिरिडीह से अपना घर लौट रहे थे। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ मालूम नहीं? अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले कृषि कानून को वापस लेने और किसानों के हित में कानून लागू करने की मांग के साथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिवाद मार्च निकाला गया। प्रदर्शन के बाद महासभा के लोग समाहरणालय के समक्ष धरने पर बैठ गए और एक संक्षिप्त सभा की। बाद में महामहिम राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को एक प्रेषित मांग पत्र सौंपा गया। अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले बड़ी तादाद में लोगों ने शहरी क्षेत्र में प्रदर्शन किया और कृषि सुधार कानून को वापस लेने तथा MSP सहित किसानों के अन्य अधिकारों की गारंटी वाले कानून लागू करने की मांग की। कार्यक्रम की अगुवाई किसान महासभा के झारखंड प्रदेश सचिव पूरन महतो, माली नेता राजेश कुमार यादव, सीताराम सिंह, राजेश सिन्हा आदि लोग कर रहे थे। मौके पर उस्मान अंसारी, मुस्तकीम अंसारी, जीप सदस्य मनोवर हसन बंटी, जयंती चौधरी, मुस्ताक अंसारी, संदीप जायसवाल आदि लोग मौजूद थे। कार्यक्रम को लेकर महासभा के लोगों ने स्थानीय सर्कस मैदान से एक प्रतिवाद मार्च निकाला, जो झंडा मैदान, अंबेडकर चौक, टावर चौक होते हुए समाहरणालय के समक्ष जाकर धरने में तब्दील हो गई। वहां किसान नेता मुस्तकीम अंसारी की अध्यक्षता में एक संक्षिप्त सभा की गई, जिसे अन्य कई नेताओं ने भी संबोधित करते हुए एक स्वर में मोदी सरकार से तीनों काले कानून को वापस लेने तथा किसान संगठनों से बात कर किसानों के हक में कानून लाने की मांग की। बाद में महामहिम राष्ट्रपति के नाम प्रेषित मांग पत्र को गिरिडीह DC के माध्यम से भेजा गया। आज के कार्यक्रम में अन्य लोगों के अलावा कौशल्या दास, रामेश्वर चौधरी, भोला मंडल, मीना दास, सरिता महतो, रेखा अग्रवाल, प्रीति भास्कर, रेणु रवानी, अशरेश तुरी, विजय पांडे, रीतलाल वर्मा, असगर अली, खूबलाल महतो सहित कई लोग मौजूद थे। किसान संगठनों के आह्वान पर आज देशव्यापी विभिन्न जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन का आयोजन करके काले कृषि कानूनों की वापसी की मांग की गई थी और नए कानून लाने का भी सवाल है। इसी आह्वान के तहत में अखिल भारतीय किसान महासभा की ओर से गिरिडीह जिले भर के सैकड़ों किसानों ने अपने नेताओं के नेतृत्व में यहां DC के सामने मार्च किया, प्रदर्शन करके धरना दिया और 2 सूत्री मांग पत्र राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति को भेजने का काम किया है, जिसमें पहली मांग है कि सभी तीनों काले कानून वापस लिए जाएं और दूसरी मांग है किसानों के हक में किसान संगठनों से बात कर कानून लाए जाए
और एक तीसरा सवाल भी यहाँ जो गिरिडीह जिले के किसानों से संबंधित है उसमें है कि जो धान खरीदी नहीं हो रही है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की धान खरीदी हो इसको लेकर के एक अलग ज्ञापन दिया गया। उक्त तो तीनों ही सवाल पर सैकड़ों लोगों ने यहाँ किसान महासभा के नेतृत्व में भाग लिया है। आज किसान महासभा के बैनर तले गिरिडीह मुख्यालय में भाकपा माले और किसान महासभा के बैनर तले आज सर्कस मैदान से लेकर जुलूस के रूप में डीसी ऑफिस में जाकर ज्ञापन दिया गया और जो किसान विरोधी कानून है भाजपा सरकार की और किसान जिस प्रकार से 18 दिन से दिल्ली में हैं लगातार उनके पक्ष में भाकपा माले हमेशा खड़े हैं। भाजपा गिरिडीह जिला कमेटी की घोषणा के बाद पचम्बा नर्मदा धाम के पास भाजपा के कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त गिरिडीह प्रखंड मुफस्सिल अध्यक्ष मनोहर यादव का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान इन्होंने पार्टी द्वारा दी गई जिम्मेदारियों का बखूबी वहन करने की बातें कही। भाजपा गिरिडीह जिला समिति की घोषणा के बाद जगह जगह नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत और सम्मान किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को पचम्बा नर्मदा धाम के पास भाजपा के कार्यकर्ताओं ने गिरिडीह प्रखंड मुफस्सिल के अध्यक्ष बनाए गए मनोहर यादव का गर्मजोशी के साथ अभिनंदन किया। इस मौके पर काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। मौके पर सभी ने स्वागत कर कहा कि इन्हें अहम जिम्मेदारी मिलने से क्षेत्र में पार्टी को और भी ज्यादा मजबूत बनाया जाएगा। महादेव दुबे जिंदाबाद 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 जिला अध्यक्ष जिंदाबाद 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 अन्नपूर्णा देवी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 अमित शाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो दायित्व मिला है आज बहुत खुशी है और मुझे खुशी मिल रहा है कि भाजपा प्रखंड कमेटी में मुझे मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। सबसे पहले मैं प्रदेश नेतृत्व और जिला नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे प्रखंड के जितने भी पदाधिकारी हैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह से मैं 5 साल युवा मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष पर काम किया मैं कोशिश करूंगा उससे भी बढ़ चढ़ के मैं इस भूमिका को निभाऊंगा। भाजपा जिला कमेटी की घोषणा के बाद पार्टी के जिलाध्यक्ष महादेव दुबे के विरोध में महिला मोर्चा ने भी मोर्चा खोल दिया है। इस बाबत महिला सदस्यों ने कहा कि 10 साल से पार्टी के कार्य में लगे हुए लोगों को दरकिनार कर बाहर से पार्टी विरोधी कार्य करने वाले दलाल किस्म के लोगों को कमेटी में स्थान दिया गया है जिसके विरोध में आंदोलन किया जाएगा। भाजपा जिलाध्यक्ष के खिलाफ महिला मोर्चा ने भी विरोध का बिगुल फूंक दिया है। भाजपा जिला कमेटी की घोषणा के बाद पार्टी के कई कार्यकर्ताओं में रोष है। कई कार्यकर्ता इस कमेटी गठन का विरोध कर रहे हैं और जिलाध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में महिला मोर्चा के कुछ सदस्य भी जिलाध्यक्ष महादेव दुबे के विरोध में उतर आई है। मोर्चा की अंजू सोनी, नीतू शोला, प्रेमा तिवारी, लता वर्मा, बेबी कुमारी, सरिता शर्मा, रोमा मंडल, रीना मंडल, वीना देवी, रीना शर्मा, अंजलि देवी ने जिलाध्यक्ष के विरुद्ध आंदोलन की बात कही है। मोर्चा की महिला सदस्यों ने कहा कि जो 10 साल से पार्टी के कार्यों में लगा हुआ है उसे दरकिनार कर दिया गया है। वहीं बाहर से थोपे गए लोग जिन पर पार्टी विरोधी कार्य करने का आरोप लग चुका है ऐसे लोगों को कमेटी में जगह दी गई है। कहा कि दलाली और पैरवी करने वालों को कमेटी में स्थान दिया गया जिसका वे सभी विरोध करती हैं। महिला नेत्रियों ने कहा कि 16 दिसंबर को जिलाध्यक्ष के विरुद्ध आंदोलन किया जाएगा। कार्यकर्ताओं ने फिर से नया लिस्ट जारी किए जाने की मांग की है। बैठक उन लोगों को लेकर के है जो हमारे पार्टी में कुछ भी नहीं किए हैं, मूर्थपोल हैं, उन लोगों को अच्छा अच्छा पद दिया गया है। जो हम लोग पुराने कार्यकर्ता हैं हम लोग को कुछ भी नहीं दिया गया है, ना किसी प्रकार का पद दिया गया है ना ये। अच्छा, यहाँ पे पैरवी या दलाली के ही बलबूते पे लोगों का, हम लोग जबकि पार्टी में 10 साल से एक्टिव रहे हैं, रणनीति ये तैयार कर रहे हैं कि 16 को आने वाले में महादेव दुबे का नारा लगवाएंगे हाय हाय, और जो भी नेता लोग हैं जो दलाली के बलबूते पे इसके बलबूते पे आए हुए हैं उनके प्रति भी हम लोग रैली निकालेंगे। महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष
और जब तक अभी नया लिस्ट महिला मोर्चा का नहीं आया, अभी वर्तमान में मैं ही हूँ। और जो लिस्ट जारी किए हैं हमारे महादेव दुबे जी, उनका स्वागत है, ठीक है, वो किए लिस्ट जारी, उनका भी हम लोग मजबूत समझते हैं। मगर जो लिस्ट जारी किए हैं जिसमें कि हम लोगों को मंडल से लेकर जिला में आने के क्रम में 15 साल लगी हम लोगों को, 15 साल। और अभी जो नया जो पद दिए हुए हैं मेन पदाधिकारी में, पुराने को दरकरार करके, जो हमारे 50 साल से, 60 साल से, 40 साल से, उनको दरकरार करके, चाहे वो महिला हो या जेंट्स हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ महिला, दोनों में, महिला जेंट्स दोनों में, वो नए महिलाओं को जो लाए हैं, जो पार्टी में हमको वो मंडल की भी नहीं है कार्यकर्ता, एक दिन लगता है उन लोगों को पद देने में। जब इस विषय में भैया से बात किए तो बोले देखिए आपको हम लोगों ने दे दिया, बहुत अच्छा पद दिया है, आप कार्य समिति सदस्य में आ गए, आपका ये प्रमोशन हो गया, आप लड्डू खाइए घर में। तो मैं ये महादेव दुबे भैया से पूछना चाहती हूँ कि ओबीसी मोर्चा को उपाध्यक्ष मेन पार्टी का और महिला मोर्चा को कार्यकर्मी सदस्य में क्यों दिया गया, ये दोनों भेदभाव क्यों हुआ हमारे साथ, हम इसी का जवाब उनसे मांगना चाहते हैं। क्योंकि आगे का क्या रणनीति है, आगे का यही रणनीति है कि 16 तारीख को हम लोग पूरे जोर तोर से पूरे महिलाओं को संगठन से विरोध करेंगे, भैया का ये गलत किए, नए नए महिला को लाया, डायरेक्ट पद में दे दिए, पहले उन लोगों को मंडल में या पदाधिकारी रहने का कोई देते सर्वासन, उनको पद में दीजिए, आप डायरेक्ट मंत्री बना दीजिएगा, उपाध्यक्ष बना दीजिएगा, ये तो गलत है। मैगजीनिया तालाब के पास नाबालिग छात्रा की मौत के मामले में ब्राह्मण महासंघ के एक शिष्टमंडल ने गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा से मुलाकात की और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। इस बाबत उपायुक्त ने सकारात्मक आश्वासन दिया और कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है, जरूरत पड़ने पर SIT का भी गठन किया जाएगा और हत्या में संलिप्त अपराधियों पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। मैगजीनिया तालाब के पास हुई नाबालिग युवती की संदेहास्पद मौत के मामले में ब्राह्मण महासंघ का एक शिष्टमंडल सोमवार को उपायुक्त से मिला। शिष्टमंडल सदस्य और उपायुक्त के बीच सकारात्मक वार्ता हुई। इस बाबत उपायुक्त ने बताया कि मामले की जांच निष्पक्ष एवं सही दिशा में हो रही है, जल्द ही मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस घटना में शामिल अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और जरूरत पड़ी तो SIT का भी गठन किया जाएगा, लेकिन पीड़ित पक्ष को न्याय मिलेगा। शिष्टमंडल में दीपक उपाध्याय, शशिधर पांडे, नारायण पांडे, मुकेश पांडे, मोतीलाल उपाध्याय, पवन पांडे, विकास पांडे, अमित कुमार पांडे, चंदन कुमार पांडे सहित कई लोग शामिल थे। मुस्कान हत्याकांड को लेकर के ब्राह्मण महासंघ का शिष्टमंडल पुनः माननीय उपायुक्त से मिला। आज माननीय उपायुक्त से वार्तालाप के क्रम में पूरी टीम संतुष्ट है कि प्रत्येक बिंदु पर इस हत्याकांड में संलिप्त अपराधियों को किसी भी कीमत पर प्रशासन के द्वारा नहीं बख्शा जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या अभी तक आया है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हम लोग को जो जानकारी प्राप्त हुआ है उसमें हत्या ही का ये मामला आ रहा है। तो प्रशासन जो इसमें है वो किस बिंदु को देख कर अपनी तरफ से छानबीन कर रही है? प्रशासन अपने स्तर से गाँव में जा करके अन्य स्रोतों से पता लगा रहे हैं कि हत्याकांड में और कौन कौन से अपराधी संलिप्त हैं, उस मामले को प्रशासन देख रही है और माननीय उपायुक्त ने लगातार इस मामले को पूरी तरह से पारदर्शिता रखते हुए विश्वास दिलाया कि इस मामले का उद्भेदन किसी भी कीमत पर किया जाएगा। ने पुनः कहा है कि इस मामले को खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और माननीय आरक्षी अधीक्षक महोदय और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से भी स्वयं उन्होंने वार्ता किया है और प्रत्येक बिंदुवार चर्चा किया है। उन्होंने अपने स्तर से भी इसको पूरी जांच टीम का निगरानी स्वयं कर रहे हैं और उन्होंने स्वयं बताया कि जो है अगर ज़रूरत पड़ी तो SIT गठन का भी उनके द्वारा किया जाएगा। आप लोग आगे क्या CBI से भी जांच करने की मांग कर रहे हैं क्या? हम लोग को अभी पूर्ण संतुष्टि की, माननीय उपायुक्त स्वयं अपने स्तर से इसका जो है उद्भेदन स्वयं कर देंगे, तो पुनः जब यहाँ से न्याय मिल जाएगा परिजन को तो फिर हम लोग आगे उसके बारे में कोई आवश्यकता नहीं है। आज मुस्कान हत्याकांड को लेकर हम लोग उपायुक्त महोदय से मिले, क्योंकि पूर्व में भी उपायुक्त महोदय का जो प्रयास रहा इस कांड में परिजनों को न्याय दिलाने को लेकर, हम लोग इससे पूरे ब्राह्मण समाज इसे संतुष्ट हैं। और चूँकि इस हत्याकांड का उद्भेदन में कुछ विलम्ब हो रहा था, इस मामले को लेकर हम लोग पुनः आज उपायुक्त महोदय से मिले। उपायुक्त महोदय ने पूर्ण आश्वस्त किया है हम समाज के तमाम प्रतिनिधियों को, मंडल के लोगों को,
कि हम इस हत्याकांड में जो लोग दोषी हैं वो सामने में लाएंगे, क्योंकि गिरिडीह जिला का ये बहुत सीनियर मतलब सीरियस मामला है, क्योंकि मुस्कान का हत्या किसी व्यक्तिगत किसी समाज का नहीं बल्कि गिरिडीह जिले का ही सबसे घिनौना हरकत है। इस हत्याकांड में जो भी लोग शामिल होंगे, उपायुक्त महोदय ने कहा है कि इसको उद्भेदन करके हम लोग सामने लाने का प्रयास करेंगे। इन्होंने जो अनुसंधान कर रहे हैं उनसे भी इन्होंने बात किया है, और इन्होंने जो हम लोगों को बताया कि उपायुक्त महोदय ने एसपी साहब से भी बात किया है और लगातार ये मॉनिटरिंग इस मामले में कर रहे हैं। इसलिए हम उपायुक्त महोदय को, हम समाज की ओर से, हम प्रतिनिधि की ओर से इन्हें बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि चूँकि ये इतना गंभीर और संजीदगी से इस कांड को ये देख रहे हैं, हम काफ़ी संतुष्ट हैं। हम लोग SDPO से भी इस बिंदु पर बात किए हैं, कल हम लोग परिजन से भी हम लोग जाके उसके गांव में मिले हैं, और कल इसी बात को लेकर पूरे समाज, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर के जनप्रतिनिधि भी कल यहाँ समाज के लोग आए थे। सभी लोगों ने इस हत्याकांड को अविलंब उद्भेदन कराने का संकल्प लिया है, और मुझे आशा है कि बहुत जल्द समय में ये कांड का उद्भेदन जिला पुलिस प्रशासन करे, अन्यथा समाज में जो क्षोभ व्याप्त है ये लगता है आने वाले दिनों में ये उजागर होने की भी संभावना है। इसलिए हम पुनः एक बार चाहेंगे जो जिले के वरीय पदाधिकारी हैं वे लोग इस कांड का अविलंब उद्भेदन करें, और समाज को ये घिनौना हरकत करने वाले जो मासूम लड़की है उसकी हत्या जिन्होंने भी किया है वो काफ़ी निंदनीय। जिला जनसंपर्क विभाग के द्वारा कोरोना जागरूकता को लेकर भंडारी डीह और अलकापुरी चौक पर कोरोना से जीत नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। नाटक में कलाकारों ने अपने अभिनय से लोगों से घर से बाहर मास्क लगाकर निकलने, सोशल डिस्टेंसिंग व सैनिटाइजर का उपयोग करने की अपील की। जिला जनसंपर्क विभाग के द्वारा कोरोना जागरूकता के लिए भंडारी डीह व अलकापुरी चौक पर एक नुक्कड़ नाटक कोरोना से जीत का मंचन किया गया। आईना संस्था के सहयोग से आयोजित इस नुक्कड़ नाटक का लेखन व निर्देशन रंगकर्मी महेश अमन ने किया, तथा कलाकारों में पुरुषोत्तम, तरुण, आदित्य, चंद्रशेखर, बबीता, निशु, श्रुति, प्रगति, प्रतीक, विकास व पंपल ने अपनी उम्दा अभिनय से लोगों को यह शपथ लेने के लिए मजबूर कर दिया कि जब भी घर से निकले मास्क लगाकर ही निकले, साबुन व सैनिटाइजर का उपयोग करके कोरोना को मात दें। आप सभी लोग भी कर लीजिए, आप सभी लोग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोरोना थोड़ी चिंता किसी को। हम लोग कोरोना को भगाने में अपना पूर्ण समर्थन देंगे ताकि जल्द से जल्द कोरोना भागे। हाथ धोएंगे। उसके लिए हम सब मास्क लगाएंगे, 2 गज का दूरी रखेंगे, हाथों को साबुन से अवश्य धोएंगे। जिला जनसंपर्क विभाग की ओर से आईना आज भंडारेडी और अलकापुरी चौक पर COVID-19 से बचाव, इससे सुरक्षा, और हम कैसे COVID-19 से जीत सकते हैं, इस पर एक नुक्कड़ नाटक कोरोना से जीत का मंचन किया गया। इस नाटक के माध्यम से लोगों को बताया गया कि कोरोना होने के क्या लक्षण हैं, कैसे होते हैं, और अभी हम कोरोना से कैसे बच सकते हैं। इसके लिए जरूरी कितना क्या जरूरी है, मास्क लगाना, हाथ को साफ करना और 2 गज की दूरी बनाए रखना। तमाम शहरवासियों से अपील की गई कि आप ये मत सोचिए कोरोना गया नहीं है, और कोरोना अमीर और गरीब को देखकर नहीं आता, कोरोना को आने के लिए एक मानव शरीर की आवश्यकता होती है। इसलिए आप जब भी बाहर निकले, पहले तो बाहर निकले नहीं, बहुत ज़रूरी काम है तो बाहर निकले, बाहर निकलते हैं तो आप मास्क लगा लीजिए, वापस जब लौटते हैं तो हाथ को सैनिटाइज कर लीजिए या फिर धो लीजिए। शुक्रिया। अंत में आइए फिर से नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अंतर्राज्यीय लुटेरा गिरोह के 2 सदस्य चढ़े पुलिस के हत्थे, 2 वाहन भी हुआ बरामद। एसपी ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। अवैध शराब कारोबारियों की आई शामत,
आबकारी टीम ने अलग अलग स्थानों से 4 को किया गिरफ्तार। अवैध देशी शराब भी हुई बरामद। किसान आंदोलन के समर्थन में अखिल भारतीय किसान महासभा ने किया प्रतिवाद मार्च। समाहरणालय पहुंचकर की संक्षिप्त सभा। बाद में राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। और भाजपा जिला अध्यक्ष के खिलाफ अब महिला मोर्चा ने भी फूका विद्रोह का बिगुल। परिसदन भवन में बैठक कर कमेटी गठन को लेकर जताया रोष। आंदोलन की दी चेतावनी। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।